मिस्टीरियो WWE जैसे दुनिया में या फिर किसी भी दुनिया के कोने में हाई फ्लायर्स का ट्रेंड लाने वाला मिस्टीरियो सबको पसंद है आज के टाइम में हाई फ्लायर्स। पता है सबसे पहला कामयाब हाई फ्लायर कौन था? रे मिस्टीरियो से पहले बहुत सारे हाई फ्लायर्स आए, बहुत सारे गए, किसी को पता भी नहीं होगा, बट रे मिस्टीरियो ने सबके दिमाग में एक इम्पैक्ट बनाया। अब आप सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कब रे मिस्टीरियो WWE में वापस आएगा। हालांकि पहले मैंने इसके बारे में बता दिया है, वंस अगेन एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रे मिस्टीरियो की रिटर्न को लेकर। तो आप देख रहे रेसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले #UrbanMix का एपिसोड कल आ रहा है, तो अगर आपका अभी तक क्वेश्चन आपने वहां पर नहीं पूछा तो जाकर पूछ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन पहले ही बहुत सारे हो चुके हैं, पर क्या पता आपका लकी क्वेश्चन उसमें सिलेक्ट हो जाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यार अब रे मिस्टीरियो ने WWE क्यों छोड़ी थी? बिकॉज WWE के मोस्ट ऑफ द रेसलर्स इसी वजह से छोड़ते हैं, चाहे वो नेविल हो, चाहे वो बटिस्टा या फिर कोई भी लगा लो लाइक रैब है, कोई भी, वो इस वजह से WWE छोड़ते हैं क्योंकि WWE ने बुक करना भूल जाती है प्रॉपरली, और जब WWE ने भूल जाती है तो वो भी WWE को भूल कर आगे चल जाते हैं। इसी तरह से रे मिस्टीरियो ने अमेरिका को छोड़कर मेक्सिको को सिलेक्ट किया था अपना अगला करियर बनाने के लिए। इंटरव्यू में रे मिस्टीरियो से पूछा गया कि क्या तुम WWE में वापस आओगे? उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी WWE में वापस नहीं आऊंगा। पीछे जो भी रूमर चल रहे थे ठीक थे, मैं आने वाला था, बट काफी सोच विचार के साथ मैंने डिसाइड किया मुझे WWE में वापस नहीं जाना चाहिए। उसे पूछा गया क्यों? उसने कहा इस वजह से क्योंकि WWE मुझे एक 205 लाइव डिवीजन में डाल देगी, जिससे क्या होगा मेरा सारा करियर जो कुछ भी मैंने किया वो जस्ट एक WWE के माइनर से टाइटल के लिए वहां पर रह जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे मेन इवेंट कुछ मिले, बट एटलीस्ट मैंने इतना बड़ा करियर और इतने स्ट्रगल के साथ जो करियर बनाया वो करियर मिट्टी में ना सब कुछ हो जाए। मतलब उसने स्पेनिश में कहा था, जो कि लेटर मैक्सिकन और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था, और अब हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जहां तक मुझे लगता है उसने जो कहा होगा बात बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि ज्यादातर ट्रांसलेटर छेड़ देते हैं। हालांकि मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, जो मुझे पता लगा था मैंने वो ही आपको बताया, बट ये बात जो कि रे मिस्टीरियो ने कही है, कोई भी एग्री नहीं करता कि रे मिस्टीरियो ऐसा कह सकता है, ये ट्रांसलेटर बीच में गड़बड़ करते हैं। और उसके साथ साथ WWE रिप्लाई में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक बार आओ, एक बार हमसे मिलो, जो कि बात PW इनसाइडर के डेव मेल्ट से लीक करी गई, जिसने कहा कि बहुत जल्दी रे मिस्टीरियो और WWE की मीटिंग है। तो वो पता नहीं क्या होगा, शायद जल्द ही केन की तरह सरप्राइज में हमें रे मिस्टीरियो देखने को मिल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूँ अनमन।